हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं वेज ऑमलेट। आप सोच रहे होंगे ऑमलेट तो नॉन वेज होता है, वेज कैसे हो सकता है? जी नहीं, आज का ऑमलेट होने वाला है वेज। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ा सा बाउल और इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी 1.5 कप बेसन कि मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप बेसन। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा। आपको ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मैदा और बेसन की जो क्वांटिटी है वो आपको इक्वल नहीं लेनी है, बल्कि जितना आप बेसन ले रहे हैं उसका 1/3 आपको मैदा लेना है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सभी चीज़ों को डालकर भी एक बार अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, अच्छे से फेंटेंगे जिसमें कि इसमें लम्स ना पड़े बिल्कुल भी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें और इस तरह से फेंटते रहें। तो देखिए इस तरह की जो है कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसके लिए। इसको मैंने अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फेटा था और अब ये ऐसा हो गया है कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना पतला जो है हमें इसके लिए घोल चाहिए। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। और अब हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इसको हल्का सा हम इसको गर्म होने देंगे और इसके बाद जो हमने बैटर बनाया है इस बैटर को इस पर डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। जैसे चीला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको फैलाना है। और अब हम लेंगे एक ब्रेड, उसको इस तरीके से दोनों साइड से डिप करते हुए इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। और 1 चम्मच ऑयल हम इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे साइड से, जिससे कि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से साइड से किनारियां हल्के हल्के हाथ से आप साइड से किनारियां हटा दें। देखिए इसको अच्छे से पहले एक तरफ से सिक जाने दीजिए, तभी आप उसको पलटिएगा, वरना ये टूट जाएगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देखिए तो इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप किस तरह से जो है इसके ऊपर जालियां पड़ गई हैं, बिल्कुल जैसे एक ऑमलेट के ऊपर आती है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये बिना अंडे के बनाया है। जब ये दूसरी तरफ से भी सीख जाए उसके बाद एक बार इसे फिर से पलट लीजिए। और जो इसकी किनारियाँ हैं उसे आप इस तरह से ब्रेड के ऊपर फोल्ड कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा ऑमलेट की शेप में आ जाएगा। चारों तरफ से ब्रेड जो है वो कवर हो जाएगा। और इसको 1-2 बार इसी तरीके से पलट पलट के अच्छे से सेक लीजिए। तो ये बस ये रेडी है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए हमारा वेज ऑमलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको मैं 2 तरीके के ऑमलेट दिखाऊंगी। अभी मैंने ये सिंपल तरीके से बनाया है बिना वेजीज के। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए बिल्कुल इजीली बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा लगेगा मुँह में जाते ही घुल गया बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल जालीदार ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम बना लेते हैं दूसरे टाइप का वेज वाला ऑमलेट, जिसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप प्याज, थोड़ा 2 से 3 हरी मिर्च, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप टमाटर और 1 कप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको अच्छे से चला लेंगे और फिर से हम एक पैन गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे एक ब्रेड। इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे, 2 ब्रेड आपको इसके लिए सेकने हैं। और फिर से अब इस पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और इसको अच्छे से गरम होने देंगे। उसके बाद ये जो बैटर है इसको फैला देंगे, जैसे हमने पहले वाला बैटर फैलाया था सिंपल वाला। अभी हमने वेजीज डाल दी है, इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे और साइड से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि चिपके नहीं किनारी इसमें। और ये जब हल्का सा नीचे से सिक जाएगा उसके बाद हम इसको पलट देंगे, बहुत ही आसानी से पलट जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको पलटने में।
क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है वेजीज़ की वजह से जब सब्जियाँ इसमें डालते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको प्रेस कर करके अच्छे से सेक लेंगे दूसरी साइड से भी। इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं, ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर ये पकेगा तो इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो थोड़ी कच्ची रह जाएंगी, तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। और इस तरीके से इसमें बीच में हम लगाएंगे फोर कट्स, जैसे पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं ना बिल्कुल वैसे, और इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। और अब हम ले लेते हैं ये ब्रेड, जो हमने दो ब्रेड जो थे हमने वो सेक लिए थे अच्छे से बटर लगा के। उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप, आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ले रही टमाटो सॉस। और इसको हम इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम डालेंगे इस पर अनियंस, तो ये मैं यहाँ पे अनियन लगा रही हूँ इस पर। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे टमाटोज। और अब हमने जो ऑमलेट बनाकर तैयार किया है वो ऑमलेट हम इसके ऊपर रख देंगे। देखिए गर्मा गर्म ऑमलेट है बिल्कुल। और इसको फिर से हम एक ब्रेड को रख के इस पर कवर कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा झटपट बनने वाला ऑमलेट बिल्कुल तैयार है, वेज ऑमलेट है। इसमें हमने कुछ भी एग, बिल्कुल भी हमने इसमें एग का यूज़ नहीं किया है। और आपको खाने में बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही लगेगा जैसा आप अंडे वाला ऑमलेट खाते हैं। तो इसे बनाइए और ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।